नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धीर टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। ल्यूपस बीमारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ये एक ऑटो इम्यून रोग है। बी, ये शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। सी, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मानव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और बाहरी कोशिकाओं के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। अथवा डी, इस बीमारी के दौरान रोगी को लगातार मुंह का अल्सर, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द और अधिक थकान बना रहता है, लेकिन बुखार का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष ल्यूपस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये एक ऑटो इम्यून रोग है जो शरीर के किसी भी भाग को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑटो इम्यून बीमारी में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मानव शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और बाहरी कोशिकाओं के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। ल्यूपस बीमारी के सामान्य लक्षण में तेज बुखार, लगातार मुंह का अल्सर यानी छाले, जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द और अधिक थकान का बना रहना शामिल है। इसके तत्काल निदान और सही उपचार से इस रोग से बहुत हद तक बचा जा सकता है। इसीलिए कथन डी स्टेटमेंट जो दिया गया है डी विकल्प में, वो गलत है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? विकल्प हैं ए, तबला वादन, बी, संतूर वादन, सी, गिटार वादन, अथवा डी, बांसुरी वादन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन के क्षेत्र से संबंधित थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रख्यात भारतीय संतूर वादक थे। इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को हुआ था। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में संतूर सीखना शुरू किया। इन्होंने 1955 में मुंबई में पहली प्रस्तुति दी। पंडित शिव कुमार शर्मा ने साल 1967 में बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बड़ी हिट कॉल ऑफ द वैली प्रस्तुत की। पंडित शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बीते 10 मई को 84 वर्षीय इस संगीतकार का हृदयाघात के कारण निधन हो गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में यू सोक योल निम्नलिखित में से कहां के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है ए, दक्षिण कोरिया, बी, वियतनाम, सी, कंबोडिया, अथवा डी, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को अपना कार्यभार संभालने पर बधाई दी है। बता दें कि मार्च में दक्षिण कोरिया में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल वहां के नए राष्ट्रपति चुने गए थे और अब जाकर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। बात अगर यून की विदेश नीति की करें तो यून राष्ट्रपति मून जे इन के मुकाबले अधिक आक्रामक छवि के माने जाते हैं। दरअसल राष्ट्रपति मून के विचारों से अलग यून उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं, जो अमेरिकी विदेश नीति के मुताबिक ही है। हालांकि यून की विदेश नीति की योजनाओं में स्पेशली भारत का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने ये संकेत जरूर दिया है कि वे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के क्वाड सुरक्षा गठबंधन का समर्थन एवं सहयोग करेंगे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे ऑपरेशन दूधी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। दूसरा, यह ऑपरेशन किसी भी सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे सफल आतंकवाद रोधी अभियान है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 5 मई 1991 को नायब सूबेदार पद्म बहादुर छेत्री की अगुवाई में असम राइफल्स की 7वीं बटालियन के 15 सैनिकों की एक छोटी सी टीम ने पाकिस्तान के 72 वेल ट्रेंड आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में 14,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया यह ऑपरेशन किसी भी सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया अब तक का सफलतम आतंकवाद रोधी अभियान है। इसका नाम था ऑपरेशन दूधी। इसमें 13 अन्य आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लिया गया था। हाल ही में इस ऑपरेशन से जुड़े 8 जीवित कर्मियों को शिलोंग में अर्धसैनिक बल द्वारा सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति भवन के शिल्पकार के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए सर एडविन लुटियंस, बी स्टीफन डी कोस्टा, सी जॉन फिलिप अथवा डी मॉरिस फ्रैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी सर एडविन लुटियंस को राष्ट्रपति भवन के शिल्पकार के तौर पर जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कुछ राजनीतिक नेताओं ने लुटियंस दिल्ली की सड़कों का नाम बदलकर देश के बहादुर सपूतों के नाम पर रखने की मांग की है। मौजूदा वक्त में दिल्ली में इन सड़कों के प्रचलित नाम अकबर रोड, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड आदि हैं। इन्हीं नामों को बदलकर इन नेताओं ने इन सड़कों के नाम गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आदि के नाम पर रखे जाने का सुझाव दिया है। बता दें कि लुटियंस जोन या फिर लुटियंस दिल्ली का नाम ब्रिटिश वास्तु आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस के नाम पर रखा गया है। राजधानी दिल्ली में स्थित यह इलाका देश के सबसे पॉश इलाकों में आता है। इस इलाके की पूरी प्लानिंग सर एडविन लुटियंस ने ही की थी। इन्होंने राष्ट्रपति भवन एस्टेट में 4 बंगले भी डिजाइन किए थे। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो धीआईएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।